हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट्स आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव करेंगे जो कि क्लास एट्थ की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ये वर्कशीट ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज टूडे प्रिया वो टेलिंग रिया अबाउट द एरिया कैन क्विकली बिकम ए कंटेमेंट जोन विद अ फ्यू डेज देयर वॉज ओनली वन पर्सन इन दैट एरिया हु वॉज इन्फेक्टेड बाई करोना इन बिगनिंग बट द नंबर ऑफ द करोना पेशेंट स्टार्टड इंक्रीज बाई डे बाई डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न एज देखो क्या कहा जा रहा है कि प्रिया रिया से बता रही है कि एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों पहले एक ही पेशेंट था कोरोना मरीज ठीक है एक ही था कोरोना लेकिन कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है वो एक पैटर्न से हो रहा है जिससे कि धीरे धीरे पूरा एरिया जो है उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्या हो गए इन्फेक्टेड हो गए जिसकी वजह से उस एरिया को क्या बना दिया गया कंटेनमेंट जोन एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट इफ टू हंड्रेड परसेंट बिकम इंफेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिजीज इन एनी एरिया देखो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन दी है कि अगर एक एरिया में 200 से ज्यादा लोग क्या होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं कोरोना से देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए कंटेनमेंट जोन उसे कैसा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा अभी यहाँ पे कहा गया था कि एक पैटर्न के थ्रू क्या हो रही है जो कोरोना डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है तो उसी पैटर्न को बताया गया है दिस पैटर्न वाज समथिंग लाइक दिस ऑन फर्स्ट डे ओनली अ सिंगल पर्सन इन्फेक्टेड फर्स्ट डे क्या है सिंगल पर्सन क्या है इन्फेक्टेड है एंड सेकेंड डे नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय द सम ऑफ द नेक्स्ट समस्टिव ओड नंबर टू ओड नंबर को क्या जो लगातार ओड नंबर आ रहे हैं उससे क्या हो रहे हैं इफेक्ट हो रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट थ्री डे क्या आता है सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री डे कंजुकेटिव नंबर आ गया फोर्थ डे पे क्या कहा जा रहा है कि नेक्स्ट फोर कंजुकेटिव ओड नंबर आ गया अभी इसको हम यहां से अच्छे से समझेंगे देखो क्या कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन को हम करेंगे हाउ मेनी डेज विल द एरिया मैंशन अबाउट द बिकम ए कंटेमिनेट जोन अभी इसको हम यहाँ से रिलेट करके इसका आंसर करेंगे तो देखो क्या कहा गया है बेटा फर्स्ट डे फर्स्ट ओड नंबर उन्होंने कहा कि पहले दिन कितने लोग उससे इन्फेक्टेड थे एक दूसरे दिन क्या कहा उन्होंने टू कंजुमेटेड ओड नंबर मतलब कि थ्री और फाइव को जब ऐड किया तब तो कितना आया एट तो फर्स्ट डे कितने लोग इन्फेक्टेड थे वन सेकेंड डे कितने लोग हुए एट थ्री डे थर्ड डे पे उन्होंने कहा है कि थ्री कंजिव ओड नंबर मतलब कि सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन थर्ड डे पे कितने लोग इससे इफेक्टेड हुए ट्वेंटी सेवन इसी तरह नेक्स्ट फोर लेते हैं तो हम लेंगे इसमें क्या आ जाएगा थर्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस सेवनटीन प्लस नाइनटीन तो नेक्स्ट डे कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे बेटा सिक्सटी फोर इसके बाद फिफ्थ डे पे क्या हो जाएगा देखो फिफ्थ डे दे पे हम करते हैं यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सेवन एंड प्लस ट्वेंटी नाइन तो जब इनको ऐड किया तो कितना आया वन ट्वेंटी फाइव फिफ्थ डे पे कितने हो जाएंगे बेटा वन ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे क्या आएगा फाइव की क्यूब तो क्यूब के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है जो रेशियो है वो, हो है. है, वो हो है? इंक्रीज हो रहा है जो पेशेंट्स है वो क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि देखो ये चीज़ समझो कि, कि किस तरह इसका पैटर्न बढ़ रहा है पहले दिन एक थे दूसरे दिन एट हुए फर्स्ट डे क्या था वन पेशेंट था सेकेंड डे क्या हुए एट थर्ड ट्वेंटी सेवन फोर्थ डे सिक्सटी फोर एंड फिफ्थ डे कितना हुआ वन टू फाइव वन हंड्रेड टू फाइव जो पेशेंट थे वो क्या uh, जो इन्फेक्टेड uh, हो गए लोग कोरोना से ये कौन से डे थे फाइव डे अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितने दिनों में उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब 200 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं 200 पीपल हो जाते हैं उससे ज़्यादा लोग हो जाते हैं तब उसको क्या कर दिया जाता है कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है तो फाइव डेज में फाइव की क्यूब करी थी तब कितना आया था वन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सिक्स कंजर्वेटिव और नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टू तो मतलब कि सिक्स डेज छठवें दिन क्या कर दिया जाएगा उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा सिक्स डे ठीक है तो ये हो जाएगा इसका आंसर देखो ये इससे लिंक है और ये यहाँ पे इससे लिंक है आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर आज की बख्शन बहुत आसान है सिर्फ थिंकिंग बेस्ड है कि आप इसे सोचिए तो आइए देखते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ द करोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल बी इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर आंसर देखो अगर हम कंटेनमेंट जोन बना देंगे तो जो कोरोना पेशेंट्स है जो कोरोना का मरीज़ है वो इन्फेक्टेड जो वो और ज़्यादा उसकी जो रेट है वो बढ़ेगी घटेगी या स्टेबिलाइज हो जाएगी तो फर्स्ट तो ये आंसर देना और अपने जो आंसर दिया उसको आप क्लेरिफाई कीजिए कि आपने क्यों ऐसा बोला क्यों एक्सप्लेन कीजिए उसको तो देखो अगर मान लो यहाँ पे लोगों को हमने बंद कर दिया एक जगह तो क्या होगा वो लोग बाहर नहीं जाएंगे जब बाहर नहीं जाएंगे तो लोगों के दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो डिजीज़ क्या होगी स्प्रेड नहीं होगी ना बेटा तो देखो ये अपना अपना छोट लिखनी है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता कुछ कि ये इसका सही आंसर है जो आपको सही लगता है अपने पेरेंट्स से बात करके इसको लिखिए जैसा आपको ठीक लगता है तो आइए देखते हैं इसका आंसर तो देखिए बेटा इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं देखिए क्या लिखा गया है द नंबर ऑफ द करोना पेशेंट मे डिक्रीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन कि नंबर ऑफ जो करोना पेशेंट है वो क्या डिक्रीज हो सकता है इट मे बी पॉसिबल हम इसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं इट मे बी पॉसिबल बिकॉज करोना पेशेंट विल बी क्लोज इन देयर होम जो करोना पेशेंट है वो क्या होंगे अपने घर में स्टे करेंगे क्लोज हो जाएंगे सो दैट द करोना वायरस विल नॉट स्प्रेड एंड विल नॉट इफेक्ट अदर तो क्या होगा दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा जिससे कि क्या होगा शायद जो स्पीड है जो रेट है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया गया बेटा वट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन अबव एज ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इफेक्टेड फ्रॉम द कोरोना कि आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को जो करोना से इफ़ेक्ट हो जाते हैं उस एक एरिया में कितने लोगों को अगर वो करोना से इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि दो अगर टू पीपल अगर एक एरिया में कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो उस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं तो आपको क्या लगता है तो देखो दो ठीक है कि दो लोग अगर, अगर एक एरिया में इफेक्ट हो जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए अगर आपको लगता है तो 150 लिख दीजिए लेकिन 200 ठीक है जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो मुझे भी ये ठीक लगता है बाकी आप देखिएगा कि आपको क्या लगता है अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इफ द टोटल नंबर ऑफ द रेजिडिंग इन द एरिया मेंशन अबव 3025 देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया था आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इंफेक्टेड तो कितने डेज में जो अगर एक एरिया में 3025 पीपल रह रहे हैं तो जो ऊपर वाला पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कोरोना uh, स्प्रेड हो रहा है तो कितने दिनों में पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाएगा पूरा एरिया के जो सारे लोग हैं वो क्या हो जाएंगे इफेक्टेड हो जाएंगे तो आफ्टर फिफ्टीन डेज फिफ्टीन की क्यूब होती है टू जीरो टू सॉरी थ्री जीरो टू फाइव तो आफ्टर फिफ्टीन डेज सारे के सारे जो लोग हैं उस एरिया में वो क्या हो जाएंगे कोरोना इफेक्टेड हो जाएंगे हो इन्फेक्टेड हो जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर फोर डज द नंबर ऑफ द कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव देंशन पैटर्न और कैन बी another pattern or can द नंबर ऑफ द करोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न तो जो करोना पेशेंट का जो नंबर इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे क्या वो इसी पैटर्न के साथ हो रहा है या बिना किसी पैटर्न के साथ हो रहा है या किसी और पैटर्न के साथ भी हो सकता है तो बेटा कोई पैटर्न होना इसका जरूरी नहीं है जो एक करोना पेशेंट है देखो यहाँ पे समझते हैं एक करोना पेशेंट है मान लो ये अगर ये एक के कॉन्टैक्ट में आए तो सिर्फ ये यहीं तक स्प्रेड होगा अगर ये कोरोना पेशेंट दस लोगों के कांटेक्ट में आ गया तो वो दस लोगों को डिजीज कर देगा तो इसका कोई पैटर्न नहीं है एक को भी कर सकता है एक को नहीं भी कर सकता और दस लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को भी कर सकता है कंफर्म योर आंसर अपने आंसर को आप आंसर को क्लैरिफाई कीजिए तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है तो देखिए बेटा आंसर नंबर टू इवन विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ पेशेंट कैन इंक्रीज कोई पैटर्न होना जरूरी ही नहीं है बिकॉज दिस डिजीज डिपेंड ऑन हाउ मेनी पीपल हैव कम इन द कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन सिक या सिकेक्टेड पर्सन लिख दीजिएगा यहाँ पे कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कितने लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं आप चाहे तो यहीं तक आंसर लिख दीजिएगा इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो लिख दीजिएगा कि कितने लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट आया है इफ़ द सिक पर्सन हैज कम कॉन्टेक्ट विद लेस पीपल अगर कम लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट किया देन द डिजीज विल स्प्रेड लेस इफ द सिक पर्सन हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल देन द डिजीज विल स्प्रेड मोर ज्यादा फैलेगी तो देखो इजीज आंसर है कि अगर कम लोगों के कॉन्टैक्ट में आए तो कम फैलेगी ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आए तो ज़्यादा फैलेगी तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है आज की बहुत ईजी वर्कशीट थी सिर्फ आपको एक सेटअप uh, करना है कि आपका माइंड की आज टाइम में क्या हो रहा है साथ साथ में हमने मैथ्स का भी काम कर लिया इसके अंदर तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स